हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है द बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग कन्वर्जन इन सी शार्प। कि हमारे सी शार्प के अंदर की एक कंसेप्ट क्या है कि जिसके अंदर हम बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग करते हैं। तो सिंपल कंसेप्ट है, इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारे बॉक्सिंग कन्वर्जन कंसेप्ट से। सो इन अ बॉक्सिंग कन्वर्जन, बॉक्सिंग कन्वर्जन के अंदर हम करने वाले इम्प्लिसिट कन्वर्जन। तो बेसिकली इम्प्लिसिट क्या होता है, इम्प्लिसिट इन द सेंस जो हम डेटा टाइप कन्वर्जन करेंगे एक से दूसरे के, इसमें इन द सेंस वैल्यू से ऑब्जेक्ट में जो कन्वर्जन करने वाले, तो इम्प्लिसिट इन द सेंस कि विदाउट यूजिंग एनी कास्ट वेरिएबल। ओके, सो ये जो है सिनेरियो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं। सो फर्स्ट डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द बॉक्सिंग इज एन इम्प्लिसिट कन्वर्जन ऑफ अ वैल्यू टू रेफरेंस टाइप और एनी इंटरफेस टाइप इम्प्लीमेंट बाय दिस वैल्यू टाइप। यहाँ पे हम दो टाइप्स के डेटा टाइप यूज करते हैं हमारे सी शार्प प्रोग्रामिंग के अंदर। सो फर्स्ट होता है हमारा वैल्यू टाइप, इन द सेंस जो स्पेसिफिकली आप डेटाबेस मेंशन करते हो, जैसे कि इंटीजर है, कैरेक्टर्स है, या स्ट्रिंग है, डबल है, फ्लोट है, कोई भी एन नंबर्स ऑफ जो आपके पास डेटा टाइप आपको पता है, उसमें से कोई तो एक डेटा टाइप आप यूज कर रहे हो। बट इन फ्यूचर आपको कुछ और डेटा टाइप यूज करना है, आपको पता नहीं कि स्पेसिफिकली जो आउटपुट में डेटा टाइप आने वाला है आपको, तो कौन से फॉर्म में आने वाला है, तो ये दो सिनारियो है। तो इस दो सिनारियो के लिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे हम बॉक्सिंग कन्वर्जन करने वाले। सो बॉक्सिंग कन्वर्जन के अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो हमारा वैल्यू टाइप, जो डेटा टाइप हमारे पास वैल्यू है, उसको कन्वर्ट करेंगे एक ऑब्जेक्ट टाइप, इन द सेंस एक रेफरेंस टाइप के अंदर उसको कन्वर्जन करेंगे एंड उसको डायरेक्टली नेक्स्ट पास ऑन करने वाले है। दिस इज अ पॉसिबल ड्यू टू अ प्रिंसिपल टाइप सिस्टम यूनिफिकेशन वेयर द एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। तो स्पेसिफिकली जो डेटा टाइप है हमें पता नहीं है, उस पर्पज के लिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे, जो ऑब्जेक्ट टाइप, ओके, जो भी डेटा आप स्टोर करेंगे इन अ फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम स्टोर करेंगे। तो इन द सेंस कोई भी डेटा टाइप से हमने डेटा लिया होगा, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ओके, कोई भी डेटा टाइप से हमने डेटा लिया, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे इन अ फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे होल्ड करेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, इतने प्रोसेस तक जो भी हम ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा होल्ड कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे बॉक्सिंग। एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो अपना वैल्यू टाइप से ऑब्जेक्ट टाइप में डेटा होल्ड कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे बॉक्सिंग। अब ये बॉक्सिंग होते होते किसके अंदर क्या 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 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, क्या क्या चीजें होती है वो देखते हैं। व्हेन अ बॉक्सिंग ऑकर्स द कंटेंट ऑफ वैल्यू टाइप आर कॉपी फ्रॉम स्टैक इन स्टैक इनटू द मेमोरी अलोकेटेड ऑन मैनेज हिप। जो हमारा एक्चुअल मेमोरी है, एक्चुअल जो डेटा टाइप की वैल्यू है, उसकी एक कॉपी क्रिएट होगी और वो कहाँ पे स्टोर होगी, आपके ऑब्जेक्ट के अंदर से, ओके, ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर, इन द सेंस जो आपका मैनेज मेमोरी हिप होगा उसके अंदर स्टोर होने है। तो इससे फायदा क्या होने वाला है, से ये फायदा होगा, इफ यू चेंज द ओरिजिनल वैल्यू टाइप एंड रेफरेंस टाइप इज नॉट अफेक्टेड। कि आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू आपने चेंज कर दी, उसके अंदर एन नंबर्स आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया, एडिशन कर दिया, डिलीशन कर दिया, कोई भी ऑपरेशन कर दिया, तो आपका जो ऑब्जेक्ट वाला वैल्यू, वो ऑब्जेक्ट वाला वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एडवांटेज इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। द वैल्यू कंटेंट इन द वैल्यू टाइप एंड द क्रिएटेड रेफरेंस टाइप नॉट एसोसिएटेड एनी वे। कि जो हमने वैल्यू है हमारा, वो वैल्यू अलग रहने वाला है, और जो ऑब्जेक्ट टाइप, इन द सेंस ऑब्जेक्ट रेफरेंस टाइप हमने क्रिएट किया, वो दोनों अलग होने वाला है। के विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल बॉक्सिंग कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो इन अ बॉक्सिंग हम यहाँ पे देखते हैं इन दिस कोड, इन दिस एग्जाम्पल हम कहेंगे एक स्पेसिफिकली एक वैल्यू टाइप लेने वाले। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया वैल्यू टाइप वेरिएबल n इज द डिक्लेयर एंड असाइन द टाइप ऑफ
असाइन द वैल्यू 10, यहाँ पे हमने एक इंटीजर n वेरिएबल से यहाँ पे डिक्लेयर किया है एंड उसको हमने जैसे कि वैल्यू असाइन कर दी है 10। देन उसके बाद हम क्या कहेंगे, एक नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट टाइप वेरिएबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट टाइप का हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका नाम भी हम दिया ओबीजी। ओके, एंड देन नेक्स्ट लास्ट इन द लास्ट स्टेटमेंट द इम्प्लिसिटली परफॉर्म बॉक्सिंग ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एन, कि हम नेक्स्ट का क्या करेंगे, जो ओबीजी वेरिएबल हमने क्रिएट किया था, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे जो वैल्यू टाइप की वैल्यू है यहाँ पे हम पुट करेंगे, असाइन करेंगे। तो अभी इससे नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है या क्या क्या प्रोबेबिलिटी आगे हमें कहाँ कहाँ पे इसको यूज कर सकते। तो नेक्स्ट आपको कहाँ पे भी जो n इज इक्वल टू 10 वैल्यू एज इट इज यूज करनी है तो नेक्स्ट आगे आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। जब तक आप ओबीजी को चेंज नहीं करते, ओबीजी के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते, तब तक उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी चेंज यहाँ पे होने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट आप n की वैल्यू के ऊपर n टाइम्स जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करने उतने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं एंड यहाँ पे ओबीजी के अंदर उसको एज इट इज, जहाँ पे आपको नेक्स्ट वेरिएबल के अंदर नेक्स्ट कोई मेथड के अंदर पास करना या जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ऑपरेशन इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बॉक्सिंग कन्वर्जन। इफ इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट क्वेरी या सजेशन होगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।